जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रीपोजिशन क्लास करने वाले हैं, और आज जो क्वेश्चन रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपके लिए जो कि आप इसमें आराम से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जब आप एग्जाम आने वाला है उसमें आप जरूर बेस्ट करेंगे, इतना है। तो क्लास को लास्ट देखिए और देख लीजिए कि इसमें से आप 25 क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वी शुड लुक आवर बेबीज, तो यहाँ पर कौन सा आपका लेगा प्रीपोजिशन, ये देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया इनटू, अप, आफ्टर और इन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लुक के साथ यहाँ लग जाएगा आफ्टर, अगर आपने आफ्टर चुना है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए, ठीक है। लुक आफ्टर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टेक केयर, क्या होता है, टेक केयर ऑफ समवन, क्या होता है, समवन, ठीक है, यानी किसी का देखभाल करना होता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, हम लोगों को अपने बेबी को देखभाल करना चाहिए, इसका आंसर ये है। एक आप नोट और कर लीजिए, हो सकता है आप एग्जाम में लुक एट आ जाए। लुक एट मतलब क्या होता है, कोई चीज पर हम लोग जब आंख लगा के देखते हैं ना कि वहां पर निशाना लगाते हैं, कोई पॉइंट कोई चीज पर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लुक एट, देखना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, देखना कहते हैं कोई चीज पर देखना। एक क्या होता है, लुक फॉर होता है, लुक फॉर मतलब क्या होता है, ढूंढना, फाइंड करना, कोई चीज फाइंड करना होता है, ठीक है। और लुक इनटू मतलब क्या होता है, लुक इनटू मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। ये आपके सारे मैंने फ्रेजल वर्ब में करवा दिया है। ये आपका देखिए फ्रेजल वर्ब जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आ रहा है, आपका आपके कॉमन अरबी में भी काम आएंगे, और यहाँ पर तो काम आने वाले हैं जो आपके फिलिपिलर्स हैं आर्टिकल का, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा और होगा, और आपने इसका नोट बनाया होगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो पढ़ना भी आपको ऐसे ही है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑल ऑफ अस आर फॉन्ड सिंगिंग मेलंकली सॉन्ग। देखिए हम लोगों में क्या क्या शौक है, हम लोगों का हम सभी का जो शौक है वो क्या करता है, मेलंकली सॉन्ग गाने का शौक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आएगा, फॉन्ड यहाँ दिया गया है, तो फॉन्ड जो है ना, फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, अपॉन या फिर एट लगाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर फॉन्ड ऑफ क्या होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड मतलब क्या होता है, शौक होना, क्या होना, शौक होना, कोई चीज के लिए शौक होना, मेरा पसंद होना, फॉन्ड ऑफ मतलब मेरी चाहत होना, फॉन्ड ऑफ होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर जरूर करा होगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि आपको लास्ट तक यहाँ पर देखना है क्लासेस को। तो यहाँ क्या है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्टिफिकेट, अब यू आर रिक्वेस्टेड टू सर्टिफिकेट यानी क्या, ऑब्जर्व, लुक, सी या फिर परस्यू। देखिए यहाँ पर परयूज, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी। डी में क्या दिया गया है, परयूज दिया गया है। मतलब क्या होता है इसका, मतलब आपको ये रिक्वेस्ट किया जाता है, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि सर्टिफिकेट को आप जांच पड़ताल करिए, ठीक से देखिए, जांच करिए आप, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रयूज यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन को तो जरूर आप पढ़ ही लीजिए यहाँ पर, क्योंकि क्यों क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आई नो योर सेंटिमेंट्स दैट गर्ल, आई नो योर सेंटिमेंट्स दैट गर्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, टू इंटू टू आवर्स और फोर दिया गया है। देखिए जो भी यहाँ पर आप प्रीपोजिशन फिल करेंगे ना, तो उस प्रीपोजिशन को आप एक बार रख के एक बार सेंटेंस को पढ़ के देख लीजिएगा कि आपका प्रीपोजिशन फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है या निकल रहा है। अगर मैं ऑप्शन अगर ए देता हूँ, टू आई नो योर सेंटिमेंट्स टू दैट गर्ल, देखिए पढ़ने में मुझे ठीक लग रहा है लेकिन इसका ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डी, यहाँ आएगा फोर। मतलब क्या होता है सेंटिमेंट, मतलब क्या होता है, यानी कि उस लड़की के बारे में, उस लड़की के बारे में आपका क्या विचार है, आपके मन में क्या चल रहा है, मैं जानता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई नो योर सेंटिमेंट फॉर दैट गर्ल, उस लड़की के लिए क्या हो जाएगा, फॉर दैट गर्ल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया था, डी दिया गया था, ठीक है। तो आपने भी इसका आंसर डी किया होगा, नहीं किया होगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके एग्जाम आपको देना है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला दिया गया है कि आई विल थिंक द मीटर, आई विल थिंक,
यहाँ ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया गया आपका, कि फोर दिया गया है, अबाउट दिया गया है, ऑन और एट दिया गया यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ आई विल थिंक क्या होता है, आई विल थिंक अबाउट द मैटर, क्या आता है अबाउट द मैटर आ जाएगा, ए बी ओ यू टी अबाउट, ये आपका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आई विल थिंक अबाउट यानी इस मैटर के बारे में मैं सोचूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए क्या दिया गया है, प्लीज डोंट रिमाइंड मी द पास्ट। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने करवा भी दिया है, क्वेश्चन पेपर वाली क्लास में, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्या है, प्लीज डोंट रिमाइंड मी यानी जो बीत गया है, जो समय बीत गया है उसे आप मुझे मत याद दिलाइए। ठीक है, तो प्लीज डोंट रिमाइंड मी क्या जाएगा, ऑफ ऑन इन या फिर ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ऑफ आ जाएगा, ओ एफ वाला ऑफ आ जाएगा, यानी कि मुझे पास्ट का रिमाइंड मत दिलाइए। ठीक है, रिमाइंड मी ऑफ द पास्ट, क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, दी आपका यहाँ पर आंसर है। तो जिसने भी क्लास देखा होगा ना, और आप इससे पहले नहीं भी किए होंगे क्लास देखा होगा तो आप उसको देखते ही कर दिए होंगे आप लोग। ठीक है, अब आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ही जंप द रिवर, अब ये क्या कर रहा है, वह रिवर में कूदा, रिवर में कूदा, तो रिवर में क्या बाहर से अंदर की तरफ जाता है, तो उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनटू का यूज करते हैं, ये आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जरूर आया होगा। क्लियर, आगे आ जाइए अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड स्वीट्स, देखिए यहाँ पर फोर ऑफ इन या फिर विद, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्लास को आप सीरियसली गौर से देख रहे हैं, अगर आपको पता भी नहीं है तभी इसका आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, फॉन्ड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, मतलब कि बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है, उसको बहुत चाहत है उस चीज का, फॉन्ड ऑफ यानी कि कुछ चाहत होना, पसंद होना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर, अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि आई प्रेफर टी कॉफी, आई प्रेफर टी कॉफी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर कॉफी, विद कॉफी, टू कॉफी या फिर बाय कॉफी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू, आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं मतलब टी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ कॉफी से, तो यहाँ पर क्या, क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर पी आर ई एफ ई आर प्रेफर टू होता है, क्या होता है, प्रेफर के साथ टू होता है, ये आपका फिक्स है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि ही सकम्ड हिज इंजरीज, यानी कि वह इस इंजरी से यानी कि उस चोट से उस जख्म से मर गया, क्या हुआ, ही सकम्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर फोर दिया गया है, फ्रॉम दिया गया, टू दिया गया है, बाय दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू, तो आप याद कर लीजिए एस यू डबल सी यू एम ई सकम्ड के साथ टू आता है, ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, तो इसको भी याद कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, ही डाइड कॉलरा, यानी कि वह कॉलरा से मर गया, क्या हुआ, वह कॉलरा से मर गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही डाइड ऑफ हो जाएगा, यानी कोई बीमारी से मर जाना, कोई बीमारी से मर जाना, तो वहां पर क्या आ जाएगा, डाइड ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई ऑफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डाई ऑफ हो जाएगा, क्लियर, तो याद कर लीजिए, ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन है आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी कोई बीमारी से मर जाता है तो वहां पर डाई के साथ ऑफ का यूज करते हैं, ऐसा आप लोग पॉइंट नोट करिए और याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि ही वाज सरप्राइज्ड द न्यूज, अब देखिए वह उस न्यूज से क्या सरप्राइज एट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सरप्राइज एट हो जाएगा, सरप्राइज एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरप्राइज एट द न्यूज, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया गया है द नॉइज कम्स द रिवर, अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया आपका, ऑप्शन में दिया गया आपका अमोंग दिया, माफ कीजिएगा आप, अलोंग दिया गया है, एट दिया गया है, फ्रॉम दिया गया है और बाय दिया गया है, यानी नॉइज कहाँ से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम रिवर, फ्रॉम रिवर, देखिए यहाँ पर आप फ्रॉम रिवर का भी आप यूज कर लिए यहाँ पर, और जहाँ पर अगर फ्रॉम नहीं रहे, अगर मान लिया जाए अक्रॉस रहे यहाँ पर, अक्रॉस रहे तो आप अक्रॉस का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे,
द नॉइज कम्स अक्रॉस, क्या हो जाएगा, अक्रॉस आ जाएगा यहाँ पर, अगर अक्रॉस रहता है तो। अगर फ्रॉम दिया गया है तो हमने अभी फ्रॉम का यूज कर लिया, वो भी बिल्कुल सही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसका भी आपने आंसर जरूर सही करा होगा। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, द डॉग इज लाइंग द फ्लोर। लाई मतलब क्या होता है, लेटना होता है, क्या होता है, लेटना होता है। तो यहाँ पर क्या है, डॉग कहाँ पर लेटा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर फ्लोर पर, तो क्या जाएगा, ऑन द फ्लोर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑन द फ्लोर, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर ठीक है। तो इसका भी आपने आंसर जरूर सही करा होगा। बस सीरियसली होके क्लास को लास्ट देखिएगा, और यहाँ पर कितना क्वेश्चन करते हैं लास्ट में जरूर बताइएगा। देखिए मैंने 25 टारगेट रखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 20 प्लस तो आपका जाना ही जाना चाहिए, अगर आपका भी एग्जाम है तो। एग्जाम नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, द थंडर वाज एकम्पनीड अ हेवी रेन, यानी थंडर, यानी कि जो अभी थंडर होता है ना, स्टॉर्म जो होता है, स्टॉर्म थंडर जो तड़का पे लगता है, तो क्या करता है, उसके साथ बारिश बहुत हुआ, बारिश बहुत हुआ। तो यहाँ पर एकम्पनीड की क्या आ जाएगा, एकम्पनीड बाय, क्या हो जाएगा, किस चीज की वजह से यहाँ पर कोई चीज लाया गया है, तो यहाँ पर एकम्पनीड बाय हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो एक एक क्वेश्चन आपको करके जाना है आपको, ठीक है, नहीं पता है तभी आप उस क्वेश्चन को देखिए, और हो सकता है कि आप एग्जाम में सेम का सेम क्वेश्चन आ जाए। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि ही वॉज चार्ज स्टीलिंग अ कैमरा। अब देखिए यहाँ पर उसके साथ क्या गया, चार्ज किया गया, यानी कि उसको ब्लेम किया गया, उसको पकड़ा गया, जैसे क्या, जैसे पुलिस स्टेशन क्या कहता है, चार्ज किया जाता है, क्या क्या कहता है, केस चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर चार्ज के साथ क्या आएगा, ही वाज चार्ज स्टीलिंग कैमरा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा, चार्ज विथ स्टीलिंग अ कैमरा, कैमरा चुराने के लिए उसको सजा मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आंसर हो जाता है। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पर सेम का मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ला दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चुराने के लिए क्या, तो यहाँ पर चार्ज्ड विथ होता है, और सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ला दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हो। देखिए ही वाज एक्यूज थेप, यानी चोरी के लिए उस पर इल्जाम लगाया गया, तो क्या आ जाएगा, एक्यूज के साथ क्या आता है, एक्यूज ऑफ आता है, क्या आता है, एक्यूज ऑफ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो चार्ज के साथ क्या आता है, CHARGE, चार्ज के साथ क्या आता है, विथ आता है, और यहाँ पर एक्यूज के साथ क्या आ जाएगा, एक्यूज के साथ क्या आ जाएगा, तो आपका एक्यूज के साथ ऑफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है, कि ही एक्टेड अकॉर्डिंग माई इंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसा मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था वैसा ही उन्होंने किया, क्या जाएगा यहाँ पर, ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू, क्या आता है, ये फिक्स आपका है, क्या होता है, फिक्स आपका है, अकॉर्डिंग टू आता है, यानी कि के अनुसार आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि आई इंसिस्टेड हैविंग माय से, यहाँ पर क्या, मैंने उसको क्या किया, उकसाया, जो मैंने उसको कहा उकसाया, तो क्या आ जाएगा, आई इंसिस्टेड, तो इंसिस्ट के साथ क्या आता है, उकसाना के सेंस में क्या होता है, भड़काना के सेंस में क्या होता है, इंसिस्टेड ऑन, क्या होता है, इंसिस्ट ऑन आता है। तो यहाँ पर ऑन दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप ऐसे ही करिए और मेरे आंसर से मैच करिए यहाँ पर। तो अगले क्वेश्चन को आप पहले करिए, फिर मैं बाद में करूंगा मैं यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कि हिज फ्रेंड डिसएग्रीड हिम ऑन दिस पॉइंट, क्या हो जाएगा, उसका फ्रेंड जो था ना, अब उनके पॉइंट पर, उनका जो पॉइंट था उस पर डिसएग्री किया, यानी कि उस पर एग्री नहीं किए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज फ्रेंड डिसएग्रीड, क्या आ जाएगा, विथ, फ्रॉम, ऑन या फिर टू, तो यहाँ पर करेंगे विथ करेंगे, तो डिसएग्री के साथ क्या आता है, विथ आता है। तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, तो आपका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जरूर आया होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, कि ही इज एडिक्टेड गैम्बलिंग, यानी कि वो गैम्बलिंग मतलब क्या होता है, जुआ जो होता है ना, जुआ जो सट्टा लगता है वो गैम्बलिंग कहते हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ पर एडिक्ट, तो एडिक्ट के साथ क्या आ जाएगा, ऑफ, ऑन, टू या फिर फोर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एडिक्ट के साथ, याद कर लीजिए यहाँ पर, तो एडिक्ट के साथ क्या आता है, एडिक्टेड के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा, याद कर लीजिए, जहां भी रहेगा एडिक्ट वहां पर लगाएंगे आप टू। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, ये भी आपका क्या है, तो फिक्स प्रीपोजिशन है, तो फिक्स प्रीपोजिशन से आप एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्रेजल वर्ड जो होता है ना,
उसको भी आप लोग फ्रेजल वर्ब जो आता है उसको भी याद कर लीजिए। ये भी क्या है, प्रीपोजिशन का ही खेला है। ये भी क्या है, प्रीपोजिशन का ही खेला है। वर्ब और प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन को आप ऐड कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। आगे देख लीजिए क्या दिया गया है कि आई कंग्रेचुलेटेड हिम हिज सक्सेस, यानी उनके सक्सेस पर मैंने उसको क्या किया, धन्यवाद दिया उसको। ठीक है, कंग्रेचुलेट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कंग्रेचुलेट ऑन ही सक्सेस, क्या हो जाएगा, ऑन ही सक्सेस। तो ऑप्शन नंबर ये ए में ही दिया गया था, तो आपका भी आंसर ये जरूर आया होगा, कंग्रेचुलेशन ऑन कोई चीज, जब उसको कोई चीज मिल जाता है तो उस पर हम लोग क्या कहते हैं, उसको कंग्रेचुलेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन ऑन उनके सक्सेस पर। ठीक है, अब इसका थोड़ा थोड़ा आप हिंदी भी पता करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे दिया गया है कि शाहजहां वाज फॉन्ड आर्किटेक्चर, तो देखिए यहाँ पर शाहजहां को क्या पसंद था, क्या पसंद था, तो आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने के बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा इमारत बनाए उन्होंने। ठीक है, इसलिए किसलिए उसका शौक था उसका, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर सभी का आंसर ऑफ जरूर आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ही मैंने तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया, फोन के साथ ऑफ डाल दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में है, डी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी शुड रिलाई आवर ऑन एफर्ट, यानी अपने जो भी हम कोशिश करते हैं उस पर मुझे भरोसा करना चाहिए, रिलाई अपने आप पर डिपेंड होना चाहिए, तो रिलाई के साथ क्या यहाँ पर आएगा, यहाँ पर विथ, ऑन, फोर या फिर टू, तो याद कर लीजिए रिलाई के साथ, रिलाई ऑन कोई चीज पर भरोसा करना, डिपेंडेंस होना, तो मुझे अपने आपके एफर्ट अपने कोशिश पर भरोसा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये में ऑन आ जाएगा, तो ऑन दिया गया, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, यहाँ पर रिलाई ऑन याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, रिलाई ऑन याद रखिएगा। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मैन इज इंटायरली डिफरेंट अदर एनिमल, यानी कि क्या है, मैन जो होता है यानी कि इंसान जो होता है वो अदर एनिमल से बिल्कुल अलग होता है, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर, मैन इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भी इसका जरूर याद किया होगा, डिफरेंट फ्रॉम होता है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग, फिक्स है आपका यहाँ पर, ज्यादा मैंने क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन का ही लाया है, जो कि आप एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया है कि वी आर अकाउंटेबल गॉड आवर नेशन, माफ कीजिएगा आवर एक्शन, यानी जो भी हमारा एक्शन होता है हम अपने भगवान के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जो भी हमारा एक्शन है हम भगवान के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अकाउंटेबल के साथ क्या आता है, जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल टू होता है, क्या होता है, अकाउंटेबल टू होता है, ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, देखिए टू इसमें दिया गया है और किसी में नहीं दिया गया है ना, अब आगे देखेंगे इसको मैच करके, तो टू के साथ यहाँ पर क्या फोर आएगा, तो फोर आवर एक्शन, अपने एक्शन के लिए, अपने जो कार्य करते हैं, गतिविधि करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं भगवान के प्रति, यहाँ पर अकाउंटेबल के साथ टू आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया होगा। देखिए जहां भी आपका दो ब्लैंक दिया हो वहां आपको घबराना नहीं है, वहां पर आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, एक में मैच करके देखिए, दूसरा भी आपका मैच करना चाहिए, दूसरा मैच कर गया तो पहले मैच करके देखिए, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब आगे दिया गया है कि आई हैव नोन हिम ए लॉन्ग टाइम, अब देखिए आप क्या दिया गया है कि आई हैव नोन हिम ए लॉन्ग टाइम, यानी कि मैं काफी दिनों से उसे जानता हूं, तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम को याद रखिए, जब लॉन्ग टाइम को याद रखेंगे तो आप ये भी याद रख लीजिए कि यहाँ पर आप फोर का यूज करेंगे, क्या होता है, फोर ए लॉन्ग टाइम, ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन में आता है कि मैं उन्हें काफी समय से जानता हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका आंसर है। अब आगे दिया गया है कि ही रिसेम्बल्स हिज फादर, वो अपने पापा के तरह, पिता के तरह वो दिखता है, उनसे मिलता जुलता है, तो ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन में आ जाएगा कि रिसेम्बल के साथ क्या आता है, टू आता है, क्या आता है, रिसेम्बल टू आता है, तो ही रिसेम्बल्स टू हिज फादर, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल है। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ही इज लैकिंग कॉमन सेंस एंड हाई थिंकिंग विच ओनली ब्राइट स्टूडेंट पॉसेस, देखिए वहां पर उनमें क्या है, कॉमन सेंस की कमी है, कॉमन सेंस की कमी है, और हाई थिंकिंग जो कि उसको स्टूडेंट में होना चाहिए, तो हाई थिंकिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ढूंढना है आपको कि यहाँ पर लैकिंग के बाद क्या आएगा, तो लैकिंग के साथ, तो देखिए लैक इन क्या होता है, कोई चीज में कमी होना, लैक कमी,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैक के साथ यहाँ पर इन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देख लीजिए दिया गया है। देखिए जब भी आपको थोड़ा डॉट लगे तो जो प्रीपोजिशन लगे तो वहां प्रीपोजिशन रख के देख लीजिएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। लेकिन ये कब काम करेगा, जब आपने रीडिंग बहुत करा होगा कोई पेपर का बुक का, तब आपको ये चीज हेल्प करेगा। ठीक है, मैंने इसे कई सारे चीज बता दिए हैं कि कैसे आपको ये चीज हेल्प करता है। अब आगे दिया गया है कि ही रोज इक्वल द ओकेजन एन नन कुड शो द रिस्पॉन्स। ही रोज इक्वल, उसने बराबर बड़ा उठाया। ठीक है, जब वो कोई चीज अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाया तब, तो क्या होता है इक्वल के साथ, EQUAL इक्वल के साथ हमेशा टू आता है, इक्वल टू होता है। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, टू दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने 30 क्वेश्चन लाया है, और 30 क्वेश्चन में से आप ऑनेस्टली बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन आपने करा है, आपने कितना क्वेश्चन करा है कमेंट जरूर करिए। और साथ साथ में आपका एग्जाम कब है और आप कब एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप कौन से एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।